लखीमपुर खीरी महेवा स्टेट के कुंवर शांतनु सिंह को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह ने लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। कुंवर शांतनु सिंह पहले से राजनीति से जुड़े रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार का राजनीति से रिश्ता काफी पुराना। आज अध्यक्ष निर्वाचित होने पर लखीमपुर में प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। भारी संख्या में लोगों ने जगह जगह स्वागत किया और ढेरों बधाइयां भी दी। कुंवर शांतनु सिंह ने मीडिया को बताया कि हम सभी लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी दल जातिगत राजनीति करते हैं उनके विरोध में रहकर हम काम करेंगे, और कहा कि जितना देश हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। स्वागत मेरा नहीं हुआ है, स्वागत मानी राजा भैया जी का हुआ है, जनसत्ता दल का हुआ है, हर कार्यकर्ता का हुआ है, हर विचारधारा मेल खाते हुए व्यक्ति का हुआ है। और जो अन्य दल अन्य पार्टियां, मैं सबका सम्मान करता हूँ, किसी के बारे में विरोधाभास मेरे मन में नहीं है, किंतु जो जात बिरादरी पर राजनीति कर रहे हैं कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, वो हिंदू हिंदू दे मुस्लिम मुस्लिम दे, ये राजनीति खत्म की जाए। देश जितना हिंदुस्तान भारतीयों का हिंदुओं का उतना मुसलमानों का भी है। हाँ बिल्कुल सही। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब हिंदू ही अच्छे हैं, सब मुसलमान ही अच्छे हैं। कुछ कमियाँ हिंदुओं में भी हैं, कुछ कमियाँ मुसलमानों में भी हैं। जिनमें जो कमियाँ हैं उनको सुधारना है, ना सुधारना है, उसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। समाज में हम लोग आगे आए हैं, उन बुराइयों को हम लोग समाप्त करेंगे। और आशा करता हूँ कि मीडिया भाई सब लोग हमेशा आवाज़ साथ में उठाएंगे हम लोग की, और हमेशा मदद करेंगे। धन्यवाद। क्या पहला कर्तव्य आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मुझे फिलहाल अपनी कार्यकारिणी गठित करनी है पूरे जिले में, जिसका कार्य चालू हो चुका है। जिला अध्यक्ष में 12 तारीख को नियुक्त किया गया था, 12 नवंबर को, लेकिन प्रथम आगमन आज हुआ है 1 दिसंबर को। और पहले तो कार्यकारिणी गठित कर लेता हूँ, कि समाज में जहाँ भी गंदगी फैल रही है उस पर मेरी टीम कार्य करेगी। राजा भैया के साथ आपकी मुलाकात हुई, बैठक हुई, क्या उसमें क्या चर्चा हुई लखीमपुर के बारे? राजा भैया ने बताया कि हमारे यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं जिले में, सब विषय पर बात हुई, चर्चा हुई सारे बिंदुओं पर में। तो उन्होंने यही आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, कार्य करिए, और संभव 2022 मिशन 2022 हम लोग का है जनता का, उसको जिताने के बाद हम लोग सत्ता में आते हैं या कुछ भी सीटें निकालते हैं तो उनको दुष्कार किया जाएगा। किस पार्टी के साथ में जो है गठजोड़? किसी के साथ नहीं, हम लोग किसी के साथ अभी नहीं है, किसी के साथ नहीं है। हम लोग जनता दल अपना अपने में है और उस समय चुनाव लड़ेगा।